हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। सबसे पहले सॉरी मेरे लेट अपलोडिंग के लिए। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और मेरे चैनल पर एक वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी आ गई। चलिए एनीवे, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक साइंस यूनिवर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये देखेंगे कि अगर हमारी प्यारी धरती पर अगर हमारा चांद टकरा जाता है तो क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर फॉर यू। फ्रेंड्स, ये हैं सारे ग्रह, हमारे प्लैनेट्स। चलिए एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो हम एक न्यू ओपन कर लेते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर आपको पूरा यूनिवर्स दिखाई दे रहा होगा, तारे ही तारे। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम एक अपनी अर्थ को इम्पोर्ट करते हैं। चलिए यहाँ से मैं अपनी एक अर्थ को ऐड कर लेता हूँ। ये रही हमारी अर्थ जो स्टेबल रहेगी अपनी लोकेशन पे। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी प्यारी धरती। फ्रेंड्स देखिए कैसे धीरे धीरे ये धरती गोल गोल घूम रही है। कितना प्यारा प्लैनेट है ये। इसमें हमारी इंडिया को सर्च कर लेते हैं, देखते हैं ये घूम रही है। ओके, दैट्स आवर इंडिया। ये हमारा भारत है। थोड़ा सा और इसको मूव कर देता हूँ, फास्ट कर देता हूँ। ओके, ये आ गया हमारा इंडिया। इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है हमारा इंडिया। कितनी प्यारी दिखती है हमारी ये धरती, एक नीला ग्रह। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मून ऐड करना है। तो मैं यहाँ से जो हमारा मून है, हमारी पृथ्वी का जो मून है, यहाँ बहुत सारे मून दिए हैं वैसे, लेकिन मैं यहाँ से हमारी धरती का जो मून है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा, ओके, ये है हमारा मून। इसको मैं टारगेट कर देता हूँ अपनी धरती पर। यहाँ से लॉन्च कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं। ओके, ये ठीक है। यहाँ से मैंने मून को लॉन्च कर दिया। देखिए मून अब धरती की तरफ जाने लगा है। इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ ताकि आपको डिटेल में दिखा सकूँ। देखिए ये है हमारी अर्थ एंड वेयर इज मून। ओके, ये रहा हमारा चांद। अब ये चांद इस तरीके से सीधे जाके अर्थ से टकराएगा। तो इसको प्ले करते हैं। देखिए चांद चलने लगा है धीरे धीरे धरती की तरफ। देखिए ये इस तरीके से धरती की तरफ जा रहा है। इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं मैं। देखिए ये एक सीधी लाइन है जिससे सीधे जाके धरती से टकरा जाएगा। उसको और डिटेल में थोड़ा सा राउंड करके देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मून और यह है धरती, हमारी पृथ्वी, हमारा आइलैंड, हमारा प्लैनेट। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि ये सिमुलेशन जल्दी कंप्लीट हो जाए, वीडियो को लंबा नहीं करना है। देखिए बहुत तेज़ी से अभी आगे जाने लगा है। थोड़ा और स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं, और थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी भी ये नहीं हुआ है। बहुत स्लो जा रहा है फ्रेंड, थोड़ी सी इसकी स्पीड और बढ़ा देते हैं हम। ओके, बहुत तेजी से चांद धरती की तरफ जा रहा है। ओके फ्रेंड, देखते रहिए। धीरे धीरे जो चांद है वो धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आखिर क्या होगा अगर हमारा चांद धरती से टकराएगा। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वैसे काफी इंटरेस्टिंग होगा ये हमारा एक्सपेरिमेंट। ओके, अब दूरी बहुत कम बची है, धीरे धीरे चांद धरती की तरफ जाता जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि जैसे धरती चांद की तरफ आ रही है, नहीं, पर धरती स्टेबल है, पर चांद जिस स्पीड से जा रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है। ये देखिए चांद की परछाई धरती पर पड़ने लगी है, और इसको थोड़ा सा और पॉज करके देख लेते हैं। देखिए चांद इस स्पीड से धरती की तरफ जा रहा था, मैंने इसको रोक दिया है फिलहाल। देखिए चांद की जो शेडो है अर्थ पे अब पड़ने लगी है, और ये देखिए पहुंच गया चांद। इसको रोक दिया, मैंने थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसको पास से देखना चाहूंगा फ्रेंड कि आखिर क्या होगा अगर चांद धरती से टकराएगा। तो चांद की शेडो पूरी तरह से धरती पे अब दिख रही है। इसकी थोड़ी स्पीड कम कर देता हूँ मैं, और स्पीड कम करना पड़ेगा। ओके, इतना ठीक है। ठीक फ्रेंड, देखिए धीरे धीरे चांद धरती की तरफ पहुंच रहा है, बहुत कम अब दूरी बची है, बहुत जल्दी ये टक्कर हो जाएगी। और पास आ गया है ये, देखिए इस साइड में अंधेरा है चांद के, और ये अर्थ के और पास आता जा रहा है धीरे धीरे। बस कुछ ही देर में यहाँ पर एक एक्सीडेंट होगा। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं हम, और ये धरती से चांद हमारा टच होने ही वाला है, और देखिए बिल्कुल एकदम टच हो चुका है धरती से चांद। इसको हम राउंड करके देख लेते हैं। देखिए चांद जो है धरती के एटमॉस्फेयर में आ चुका है, इसको प्ले करते हैं, और देखिए धीरे धीरे धीरे, और बैंग, ओ माय गॉड, एक्सप्लोजन हो गया। यहां तो धरती पर आग लग गई है, ओ माय गॉड। मैं धरती का एटमॉस्फेयर यहां से रिमूव कर देता हूं ताकि ये और क्लियर दिख सके। यहां से कहां गया, ओके क्लाइमेट में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्लाइमेट हटा देंगे, एंड यहाँ से हम एटमॉस्फेयर को भी रिमूव कर देंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसको राउंड करके देखते हैं। ओ माय गॉड, चलिए फ्रेंड देखते हैं अब आगे क्या होगा। इस वीडियो को मैं प्ले करता हूं, और देखिए चांद धरती से टकरा चुका है, और फ्रेगमेंट्स जो हैं टुकड़े, चांद के टुकड़े और धरती के टुकड़े निकल रहे हैं एक्सप्लोजन से, टकराने से जो टुकड़े निकल रहे हैं फ्रेगमेंट्स वो पूरे बिखर रहे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, चांद तो पूरा धरती के अंदर ही चला जा रहा है फ्रेंड्स, क्या ऐसा होगा? मुझे तो लग रहा था कि ये टूट जाएगा। ओ माय गॉड, चांद पूरा धरती के अंदर चला गया है फ्रेंड्स, इट्स अमेजिंग। थोड़ा सा पोर्शन बचा है और ये पूरा धरती में जा चुका है, उसके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बाउंस हो रहे हैं हवा में और जाके सीधे धरती से टकरा रहे हैं। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो टुकड़े निकले हैं, वो वापस जाके अर्थ से टकरा रहे हैं, और एक बैंग एक्सप्लोजन हो गया फिर से। देखिए धरती धीरे धीरे जलती जा रही है यहाँ साइड से, अर्थ का मास भी थोड़ा सा बढ़ चुका है, और ये चारों तरफ से धीरे धीरे जलती जा रही है। ओ
गॉड, फ्रेगनेंट्स जो हैं वो अभी भी निकल रहे हैं और वापस जाके अर्थ से एक्सप्लोड कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, धरती धीरे धीरे पूरी जलती जा रही है और कुछ फ्रेगनेंट्स स्पेस में निकल चुके हैं अलग, वो ग्रेविटी से आउट हो चुके हैं अर्थ की, बट धरती पूरी तरीके से जलने लगी है फ्रेंड्स। इट्स रियली अमेजिंग। ये देखिए, ये जो फ्रेगनेंट्स टकरा रहे हैं वापस अर्थ की ग्रेविटी से, धरती की हर जगह जलती जा रही है धीरे धीरे करके। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं मैं, इसको राउंड करके देख लेते हैं। ओह माय गॉड, देखिए 50% आधी अर्थ अभी तक जल चुकी है। ओह, चांद गायब, चांद अर्थ के अंदर चला गया, उसकी आग गायब हो गई। और देखिए यहाँ से फ्रेगनेंट्स जो है वापस धरती पर जाके टकरा रहे हैं। और थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं। ये देखिए धरती 100% अब जल चुकी है। बैक साइड से जहां अंधेरा था, ये कुछ फ्रेगनेंट्स जो हैं अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले गए हैं। और अर्थ के बैक साइड में जो अंधेरा था वहां पर पूरा सूख चुका है, पानी वगैरह कुछ नहीं है। और जिधर से हमारा मून टकराया था वहां अर्थ पूरी जल चुकी है, एक आग का गोला बन गई है। माय गॉड, जूम करके देख लेते हैं इसको। देखिए धरती पूरी तरीके से, जितना भी समंदर में पानी था, बर्फ, सब कुछ खत्म हो चुका है। टोटल जितना भी हमारा पानी था वो सूख गया है और एक साइड से अर्थ पूरी तरीके से जलने लगी है। ये देखिए, ये फ्रेगनेंट्स जहाँ टकराए थे वहां पर इस तरीके के कुछ काले गड्ढे पड़ चुके हैं। पूरी तरीके से आधी धरती जो है एक आग का गोला बन चुकी है और आधी धरती सूख चुकी है। ये रहा हमारा इंडिया जो सूख चुका है एकदम, पानी बिल्कुल नहीं है। और इस टाइम पर अर्थ में जीवन भी अब खत्म हो ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह एक्सपेरिमेंट? अगर आप इसी तरीके के और एक्सपेरिमेंट्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।